नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। प्रिंस भाई, बात की जाए आपकी फिल्म का, तो फिल्म का नाम क्या है और कहां पे है और क्या कर रहे हैं? मेरी फिल्म का नाम है दिलाई तोहरा पे, और आज हम लोग फर्स्ट गाने से मुहूर्त किया है फिल्म का। और ये हमारी टीम है, बालेश्वर जी हैं हमारी फिल्म की हीरोइन है, अंजलि जी मालिया है, हमारी प्रोड्यूसर जी भी हैं हमारे साथ, हमारे बीच सुमिता जी, जिनकी ये फर्स्ट फिल्म है भोजपुरी। हिंदी इंडस्ट्री में और साउथ की इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया हुआ था उन्होंने, लेकिन भोजपुरी में ये फर्स्ट है। हमारे साथ कर रही हैं, हमारा हम बहुत बड़े मतलब खुशनसीब हैं जो उनके साथ में कर रहे हैं। तो कैसे केमिस्ट्री रहने वाली है? अभी तक तो जितने लोग हैं इनके साथ तो पहले भी काम किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मज़ा आएगी काम करने में सबके साथ। प्रोड्यूसर भी काफ़ी अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब भी उनके साथ भी क्या, पहले मैंने हिंदी फिल्म की हुई है। इस फिल्म का लेकर क्या प्लानिंग है, शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग इसकी प्लानिंग है मुंबई और सूरत, ये दो जगह मिलाकर हम करेंगे, और मार्च से शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप बताइए अपना नाम और क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम माल्या है और हम लोग यहाँ मुहूर्त कर रहे हैं फिल्म का, जो फिल्म का नाम है दिल आयल तोहरा पे, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। और इसकी मुहूर्त हम लोग गाने से कर रहे हैं, ये मूवी का पहला सॉन्ग है। और इसकी प्रोड्यूसर हैं सुमिता जी, जो कि बहुत अच्छी हैं और हमारे बीच में है वो। क्या किरदार होगा इसमें आपका? इसमें मैं लीड कर रही हूँ। आपके हीरो हैं प्रिंस जी और विलेन हैं बालेश्वर जी। हाँ जी, बालेश्वर सर के बारे में तो मैंने सुना है, एक्चुअली इनके साथ मैं फर्स्ट काम कर रही हूँ, तो काम करके बहुत अच्छा लगेगा, बस ये सोच रही हूँ। और आगे बहुत अच्छा मतलब काम करूँ इनके साथ, ताकि कोई मतलब किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और हीरो के बारे में कहा जाए तो इनके साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया हुआ है, और बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे हैं जैसे जो कि बिलन है, और बाकी एक अंजलि जी भी हैं हमारे साथ जो कि सेकंड लीड भी इसमें कर रही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मतलब जो भी हैं, जितने लोग भी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। बालेश्वर जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज का मोमेंट? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब्दुल जो है मेरे मतलब प्रिंस, अब नाम रख लिया इन्होंने, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम लोग साथ में एक दो फिल्में किए हैं, और एज ए हीरो ये आ रहे हैं, काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं और एज ए हीरो आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। दिल आयल तोहरा पे टाइटल भी बहुत प्यारा है, और आज इसका रिकॉर्डिंग है गाने का, तो खुशी है, अच्छा लग रहा है। इसमें एक हीरो दो हीरोइन है, क्या कहना चाहेंगे कोई साथ में? जैसे टाइटल है कि दिल आयल तोहरा पे, मतलब थोड़ा सा रोमांटिक है, लव स्टोरी है, तो एक हीरो के बीच में दो हीरोइन है, और एक अच्छी खूबसूरत फिल्म बनेगी हमें उम्मीद है। इसके ये डायरेक्टर हैं राणा जी, जो हिंदी से हैं, पहली भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं, तो 100% एक अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाएंगे। इसके प्रोड्यूसर सुनीता जी हैं, जो पहली बार आज प्रोड्यूसर वो भोजपुरी के लिए कुछ कर रही हैं और अच्छी फिल्म बनाने का वो जज्बा लेकर आई हैं, तो हमारी तरफ से यही है कि एक अच्छी फिल्म बने और दर्शकों को पसंद आए। जैसे कि फिल्म का नाम है दिलाल तोहरा, तो विलेन का भी हीरोइन के ऊपर दिलाता, तो आपका किस हीरोइन को दिलाने वाला? नहीं, जहाँ तक मैं इसमें जो कर रहा हूँ कुछ ऐसा नहीं है, मैं इसमें एक बाप का रोल कर रहा हूँ, और बहुत ही अलग रोल है मेरा, बहुत ही किरदार अलग है, डबल साइड है, दो जनरेशन की है इसमें कहानी मेरे साथ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू। आप बताइए जो है कि जैसे दिलाल तोहरा, तो जैसे दो हीरोइन है और एक हीरो है, तो क्या होने वाला है दोनों एक हीरो को? एक्चुअली इसमें दो हीरोइनों की मतलब कहा जाए तो मतलब हीरो हीरोइन एक ही हैं, और जो दूसरी हीरोइन है वो कि मतलब उनके लिए एक दूसरा हीरो है। जी हाँ, तो कौन सा हीरो पसंद? तो इसमें मतलब कौन से हीरो की नहीं, अभी मैं इसमें लीड कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है प्रिंस जी के साथ में हूँ मैं, तो स्टोरी मुझे बहुत प्यारी लगी और ये सब देख के हम लोग कर रहे हैं फिल्म। प्रिंस जी, जैसे फिल्म का नाम है, तो आपका दिल कौन सा हीरोइन पे, जिसे दो हीरो ने खुलासा हुआ है, किसके ऊपर आपका दिल आने वाला है? अब ये अगर बता देंगे तो दर्शक को फिल्म देखने में मज़ा ही नहीं आएगी, तो चाहूँगा कि दर्शक इस फिल्म को देखें और देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि मेरा दिल किस पे आता है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।